चैत्य भूमि दादर महाराष्ट्र प्रदेश में अरब सागर के तट पर स्थित है। यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का समाधि स्थल है। 6 दिसंबर 1956 को जब वह दिल्ली में रहते थे तो उनका महापरिनिर्वाण हो गया और 7 दिसंबर 1956 को उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनका शव दिल्ली से इस चैत्य भूमि पर लाया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के जाने की खबर सुन के उनके लाखों अनुयायी यहाँ इकट्ठे हुए और करीब 10 लाख लोग उनके अनुयायियों ने भंते बदंत आनंद कौशलायन के द्वारा उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें साक्षी मानकर बौद्ध धर्म अपनाया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया। यह महान ऐतिहासिक घटना थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे महान यशस्वी महान योद्धा के जाने का कष्ट तो था लोगों को, पर उन्होंने उनके बतलाए रास्ते पर चलकर भगवान बुद्ध को अपनाया और अपना जीवन तो सार्थक किया ही, आने वाली कई पीढ़ियों का भी जीवन सार्थक कर दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को साक्षी मानकर जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो यह भी स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर तो अमर हैं, अमर ही रहेंगे। चैत्य भूमि तब से उनके सभी अनुयायियों के लिए एक श्रद्धा स्थल है और ऊर्जा स्थल भी है। हर वर्ष 6 दिसंबर को देश विदेश से लाखों लोग यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। इस चैत्य भूमि पर बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिनमें भ्रमण करके व्यक्ति अपने आप को धन्य समझता है। उनमें प्रमुख हैं चैत्य भूमि में बना चैत्य भूमि स्तूप, अशोक स्तंभ, प्रवेश द्वार और चैत्य भूमि उद्यान विशेष रूप से दर्शनीय हैं। हेलो हेलो, काय झालं? काय काय झालं? इथून इथून जाऊ, इथून या, तुझं बाहेर नाही या, काय करा?